Hey friends, welcome to my channel Dolly Lifestyle. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है धनतेरस। मेरे YouTube की जितनी भी फैमिलीज है सबको हैप्पी धनतेरस मेरी तरफ से। और आज आप लोगों ने क्या क्या लिया? मैंने तो अप्पम मेकर लिया है, वो मैं आपको दिखा दूंगी बाद में। तो आप लोगों ने धनतेरस में क्या क्या लिया है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो आज धनतेरस के इस मौके पर मैंने बनाया है कोकोनट का ब्राउन लड्डू। वाइट लड्डू तो सभी खाते हैं, बट मैंने आज बनाया है ब्राउन लड्डू। तो कैसे बनाया है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये जानने के लिए हम पहले चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और कोकोनट के ब्राउन लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है एक नारियल। इसे मैं भी तोड़ के इसका पानी अलग करके ले लूँगी, क्योंकि इसका पानी भी हम यूज़ करेंगे। और ये है आधी कटोरी लगभग खोआ, इसको मैंने दूध से घर में ही बनाया है। और ये एक कटोरी चीनी और घी, ये घी भी मैंने घर में बनाया हुआ घी है। इसका रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि घर में कैसे घी बनाएं। अगर आपने नहीं देखा है घर में कैसे घी बनाते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख लेना। और ये है इलायची चार। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले मैं नारियल को तोड़ के इसका पानी ऐड करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नारियल को तोड़ के पानी अलग किया है। पानी के लिए पैसा से पहले मैं इसमें कोई नुकीली चीज़ से इसको मैंने इसमें छेद किया है और होल किया है। इससे मैंने पानी सारा निकाल लिया है एक कटोरी में। उसके बाद नारियल को तोड़ लिया है। इससे आपका पानी वेस्ट नहीं होता है अगर इस तरह से आप पानी को निकालेंगे नारियल में छेद करके। तो कोई भी नुकीली चीज़ से इसमें से होल बनाने का, उसके बाद पानी निकाल लेने का, इससे पानी वेस्ट नहीं होता है, हमारा पानी प्रॉपर आ जाता है। अब हम इस नारियल को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए मैंने बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है, क्योंकि इसे मुझे अभी मिक्सर में पीसना है, तो इसलिए मैंने बड़े वाले ग्रेटर से ही ग्रेट कर लिया। तो काफ़ी बड़े बड़े ऐसे ग्रेट होके निकला है मेरा नारियल। ये देखिए इसके साइज़ काफ़ी मोटे मोटे और बड़े बड़े हैं। तो इसे हम अभी ग्राइंडर में सूखा वाटर हम नहीं डालेंगे, ऐसे ही पाउडर सूखा ही पीसेंगे। मैंने मिक्सर ग्राइंडर में इसे इस तरह से पीस लिया है। ज़्यादा नहीं पीसना है, बस थोड़ा सा ऐसे दरबरा ही रहे। अब हम एक पैन लेंगे, गरम करेंगे और इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने दें। तो जब हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें कोकोनट को मैंने जो ग्राइंडर में पीसा था इसे डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम भूनेंगे। करीब 10 से 15 मिनट तक पहले कोकोनट को अच्छे से भून लेना है, इसे रोस्ट कर लेना है, ताकि कोकोनट का कच्चापन निकल जाए। तो जब भी हम कोकोनट को रोस्ट करेंगे, इसी बीच में हम 5 मिनट के बाद अपने कोकोनट के जो पानी हमने निकाला था वाटर, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें कोकोनट का पानी डालने से लड्डू में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसका पानी फेंके मत, इसको इसी में ऐड कर दें। इससे ये अच्छी तरह से पक भी जाएगा, प्लस फ्लेवर भी आ जाएगा। अब हम इसमें दूध के बने हुए खोए को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। जब भी हमारा खोआ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, मिल जाएगा, तब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। ये देखिए जैसे ही मैंने शुगर मेल्ट हो चुका है अच्छी तरह से, अब हम इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा कोकोनट ब्राउन हो रहा है, हल्का हल्का ब्राउन कलर में आ रहा है। तो इसे हम ऐसे ही अच्छी तरह से पकने देंगे करीब 20 से 25 मिनट, वो भी लो फ्लेम पे, एकदम धीमी आंच पे इसे पकाएं, वरना ये जल जाएगा और ब्राउन कलर नहीं आएगा। ये जितनी देर में पकेगा उतना ही अच्छे से ब्राउन कलर आ जाएगा इसमें। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये पैन ना छोड़ने लगे, हमारा सारा कोकोनट इकट्ठा ना हो जाए। इसे हम ऐसे ही पकाते रहेंगे, बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। तो हमारा ये जब पैन छोड़ने लगेगा तब हमारा ये कोकोनट का लड्डू तैयार हो जाएगा। ये देखिए 10 मिनट हो गया है लगभग, और ये हमारा कोकोनट इकट्ठा हो रहा है।
ठीक हो रहा है। इसे ऐसे ही पकाते रहेंगे अच्छी तरह से, और ये अभी थोड़ी देर में पैन छोड़ देगा और हमारे लड्डू बनने के लिए ये कोकोनट तैयार हो जाएगा। और इसका कलर देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, एकदम ब्राउनिश कलर। तो फ्रेंड्स ये देखिए 20 मिनट हो चुका है और मेरे कोकोनट काफ़ी ठीक हो गया है। तो फ्रेंड्स ये लड्डू बनने के लिए एकदम तैयार हो गया है। इसे हम अभी गैस ऑफ कर देंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद फिर से और भी थिक हो जाता है। जब ये ठंडा होगा तो इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। तो हम अभी गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा करके तब हम इसका लड्डू बनाएंगे। आप इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा हाथ पे ठंडा करके इस तरह से गोल करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये गोल हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है और लड्डू बनने के लिए तैयार हो गया है। तो ये थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा इसका फ्लेवर और बढ़ाने के लिए मैंने जो 4 इलायची लिया था उसे मैंने कूट के उसके बीज को निकाल कर इस तरह से क्रश करके डाल दिया है, और थोड़ा सा ये बादाम डाल दिए और इसे अच्छे से हम मिला के फिर हम लड्डू इसका बना लेंगे। तो मेरा कोकोनट हल्का हल्का गर्म है, और तो हल्के हल्के गर्म में ही इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे गोल गोल करके इस तरह से, छोटे बड़े आप जैसा शेप चाहें जैसा साइज चाहें वैसा कर सकते हैं इसका। तो ये देखिए कितना चमकदार लड्डू बना है इसकी चमक। इसमें मैंने घी भी डाला है, प्लस कोकोनट में ऑयल भी रहता है तो ये काफ़ी चमक रहा है। तो इस तरह से मैंने अपने सारे लड्डू को बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए मेरे कोकोनट के ब्राउन लड्डू तैयार हो गए, वो भी बिना किसी कलर के, बिना गुड़ के। तो आप भी इस तरह से लड्डू बनाएं अपने घर में, और ये सच में पूछिए तो बहुत ही यम्मी बहुत टेस्टी बनता है। तो आप ज़रूर बनाना और मुझे फीडबैक बताना कि आपको ये लड्डू कैसा लगा है। मेरे कोकोनट के लड्डू कैसे लगे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो इस फेस्टिव सीजन के दिवाली के मौके पे आप लोग भी अपने घर में कोकोनट के लड्डू बनाइए, ये बहुत टेस्टी होते हैं खाने में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी घर में, तो मुझे सभी लोगों को बहुत पसंद आया। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैंने लिया है अप्पे मेकर धनतेरस पे। तो ये रहा अप्पे मेकर, ये लेड के साथ है, और ये देखिए तो ये है मेरा अप्पम मेकर। इसमें देखिए 12 पीस अप्पे एक बार में बन जाएंगे, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इस धनतेरस पे ये लिया है। तो फ्रेंड्स अप्पे मेकर के साथ साथ मैंने ये दीपक लिया है, ये देखिए बड़ा सा दीपक है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 तो ये 5 दीपक, 5 मुखी दीपक जलाते हैं ना, तो ये 5 मुखी दीपक मैंने लिया है। तो अप्पम मेकर और दीपक, मेरी धनतेरस की शॉपिंग ये है। तो आपने क्या क्या खरीदा आप भी वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे। और आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को साथ में हिट कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो ब्लॉग डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, जिससे हम और आप हमेशा जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी फिर आपसे एक अच्छे से नए से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।